हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हीरो माइस्ट्रो एज 125 का डिस्क वेरिएंट। ये आपको तीन वेरिएंट्स में एक्चुअली मिलता है। ड्रम वेरिएंट आपको मिलता है डिस्क और सुजुकी कनेक्ट के साथ, और एक वेरिएंट है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट डिस्क ब्रेक के साथ। सुजुकी कनेक्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है। सो इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक जैसा आप देख सकते हैं, ये आपको सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर मिलता है। LED प्रोजेक्टर्स आपको पहले इंडियन स्कूटर है ये जिसमें आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलता है इस सेगमेंट में। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव लुक है यहाँ पे, और इनके हेडलाइट की क्वालिटी थ्रो काफ़ी अच्छा है। सो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। कार्स में भी LED प्रोजेक्टर्स होते थे, बाइक्स में होते थे, अब स्कूटर्स में भी आ चुके हैं। सो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ट्राइंगुलर ऐसे LED DRLs मिलते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को यहाँ पर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यहाँ पर अलग, जैसे यामा की रेज एडर 125 में भी ऐसा ही आता है ऑलमोस्ट। और बॉडी पैनल आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर्स में आपको मिलता है। ये बीच वाला पार्ट आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, अलॉन्ग विद ऐसे एज की आपको स्ट्राइपिंग्स मिलती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलती है, और ये इसकी ओवर फैब्रिक मतलब फाइबर की है। और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा वायलेटिश वायलेट टोन दे रहा है ये कलर। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये इसका फ्रंट है, दोनों आपको मतलब फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, पीछे आपको ड्रम। 190 mm के फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है और पीछे आपको 130 mm के ड्रम मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है एज यूजुअल, हर बाइक में आजकल आने लगा है। रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ओवरऑल एलॉय देख सकते हैं आप यहाँ पर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एलॉयस, अलॉन्ग विद ऐसे वाइट कलर स्ट्राइपिंग्स। और इनकी प्रोफाइल है 90x90 12 इंच के आपको फ्रंट में टायर्स मिलते हैं। पीछे वाला 10 इंच के है, बट या अच्छा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 155 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और बाइबर के आपको ब्रेक मतलब यहाँ पे कैलिपर्स मिलते हैं। हर कंपनी यही यूज़ करती है बाइबर के, जो कि अच्छी है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे आपको हाइड्रोलिक्स सेटअप मिलता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलेंगे, बट काफ़ी अच्छी लग रही है ओवरऑल। काफ़ी एग्रेसिव लुक है स्कूटर की, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी लुकिंग स्कूटर। सब साइड में आते हैं, साइड में आपको क्या क्या मिलता है। इसको ओवरऑल साइड का लुक यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे 125 एज माइस्ट्रो आपको ऐसे ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टेस्टफुली स्टिकरिंग की गई है इस स्कूटर में, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम के ऐसे फुट पैग्स मिल जाते हैं फॉर द पिलियन, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड मिलता है हीरो का इंजन, जो कि 9 bhp पावर और 10.4 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। पावर टॉर्क फिगर सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर आपको मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड आपको ऑप्शनल मिलता है कट ऑफ के साथ। अगर साइड स्टैंड लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है मत लीजिए। किक भी मिल जाता है आपको इस बाइक में, सारी गार्ड भी आपको ऑप्शनल है यहाँ पे। फुटबोर्ड एरिया जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको अच्छी फुटबोर्ड एरिया यहाँ पे मिल जाती है। एग्रेसिव यूथफुल स्कूटर है, बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। सो काफ़ी अच्छी लग रही है। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में आ रही है यहाँ पे, और ये भी काफ़ी सॉलिड फील होती है। और पीछे भी आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिलती है, बट इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स ही मिलेंगे। हीरो की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये एक्चुअली इसका फ्यूल लिड है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ये एक्चुअली है नहीं, क्योंकि बस ये खुलती है, नीचे उतर के आपको वो खोलना होगा फ्यूल लिड जब आप पेट्रोल पम्प पर जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं लाइट्स मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेट्स, रिफ्लेक्टर्स। ओवरऑल मडगार्ड भी काफ़ी बड़ा शेप का है। और यहाँ पे भी आपको ऐसे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं, साइलेंसर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी लग रही है। और पीछे भी आपको एलॉयज मिलते हैं ड्रम सेटअप के साथ। इनकी प्रोफाइल है 90x100 10 इंच के आपको मिलते हैं, जो कि ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहाँ पे भी आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है। सीट हाइट 785 mm की आपको सीट हाइट मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे स्कूटर के बारे में, सारे न्यूमेरिकल स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको हुक्स मिल जाएंगे,
जो काफ़ी अच्छी लगी। प्रैक्टिकलिटी आपको पूरी मिलती है स्कूटर में। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऐसे देख सकते हैं की स्लॉट्स मिलते हैं, हर स्कूटर में आजकल मिलने ही लगे ये। इसे आप ऐसा रोटेट करके घुमाएंगे सो आपका बूट खुल जाएगा। बूट दिखा देता हूँ आप लोगों को, यह है इसका ओवरऑल बूट स्पेस। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। सो यह फीचर्स आपको सारे मिल रहे हैं। ओवरऑल स्पेस और थोड़ी हो सकती थी बट या आप हाफ फेस हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। सो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी है स्कूटर की। और यहाँ से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे सो फ्यूल लिड ऑन हो जाएगा आपका, पुश करके आप खोल सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है बट आपको उतर के ये खोलना होगा अनफॉर्चुनेटली, बट ये वही आपको मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लेग रूम आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मेरी हाइट है 5'11", लेग रूम भी अच्छी खासी है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। IRVMs देख सकते हैं अच्छे शेप के हैं, आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी बॉडी कलर्ड फिनिश मिलती है आपको ऑन द हैंडल बार। I3S टेक्नोलॉजी है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, यहाँ से आपको साइलेंट स्टार्ट मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स हॉर्न वो सब एज यूजुअल। और यहाँ से ऑन करेंगे आपको यहाँ पे ऐसी डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, फ्यूल लेवल, टाइम, ओडोमीटर, डेट, टाइम, एवरेज कितनी दे रही है, ट्रिप वन। और यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको स्कूटर में मिल जाती है। और क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट भी मिल जाता है, जिससे आपको जियो फेंसिंग, मिस्ड कॉल अलर्ट्स, कहाँ आपकी स्कूटर पार्क है, अगर गिर गई है क्या स्कूटर, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा थ्रू द ऐप। एवरेज कितनी दे रही है यहाँ पे, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। ओवरऑल कलर देख सकते हैं, ब्लू कलर आपको ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे। फ्यूल लेवल, इंजन, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस बटन से आप डेट टाइम इन्हें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको मिल जाती है इस स्पीडोमीटर के अराउंड। ओवरऑल फीचर लोडेड है, दिन में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इसे देखने में। ओवरऑल स्विच गियर क्वालिटी ये सब अच्छी है, ज़्यादा कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। सो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी एक पैक स्कूटर है। और अब आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं हीरो की ओर से, दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। एक है आपकी हीरो डेस्टिनी 125, एक है आपकी हीरो माइस्ट्रो एज 125। इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए वो आपके यूजेज पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर चाहिए, आपको ज़्यादा ये सब फीचर्स ज़्यादा चाहिए आपको, पर थोड़ी महंगी भी है ये उससे, बट ये आपको वो लुक्स चाहिए एंटॉग वाले जैसे यूथफुल लुक्स होते हैं वो आपको अगर चाहिए, फीचर्स आपको अच्छे खासे चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, वो सब चाहिए। और इसकी पावर डिलीवरी हीरो डेस्टिनी 125 से थोड़ी एग्रेसिव है, ज़्यादा लो एंड टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इंजन की मैपिंग थोड़ी अलग है हीरो डेस्टिनी 125 से, बट या वही आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें सेम है, बस वहाँ पे वो डिफरेंस आपको मिलता है कि हीरो डेस्टिनी थोड़ा वो फैमिली लुक वाली आती है कन्वेंशनल स्कूटर्स की तरह, वही डिफरेंस है उस स्कूटर में, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ फीचर्स और फ्रंट के टायर साइज वो सब अलग है, बट ज़्यादातर चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सो आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी है, हीरो डेस्टिनी 125 या आपको माइस्ट्रो एज 125। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।